हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो यार। आज जो है जेई मेन की वेबसाइट अभी तक अपडेट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी जो है बारी है रजिस्ट्रेशन की, तो यार इसी वीक के अंदर यानी कि एटलीस्ट आज भी अपडेट हुई है, कल 28 फरवरी को भी अपडेट हुई थी, आज 1 मार्च हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन अब एज सुन एज पॉसिबल आज या फिर कल कभी भी स्टार्ट हो चुक सोच सकते हैं जेई मेन के। ओके, ये हो सकता है कि आप डेट्स ना डिक्लेयर करें, ये लोग कि डेट्स कब डिक्लेयर करें इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन आपके ज़रूर स्टार्ट हो सकते हैं आज या कल के अंदर, इमिजिएटली एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज रियली वेरी बड़ी अपडेट है। ओके, और जो अभी वेबसाइट आप मोबाइल में तो शायद ना खुले, लेकिन हाँ डेस्कटॉप में खोल के देख सकते हो। ओके, तो डेस्कटॉप के अंदर ओपन हो रही है और अभी जो है लेटेस्ट अपडेट किया गया है आज इसे। ओके, आई थिंक जो अपडेट हुई है लास्ट अपडेट 1 मार्च है, आज ही अपडेट की गई है इसे। ओके, पहले यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक नोटिस वगैरह 2021 के डाल रखे थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं डाल रखा है, आज पूरी की पूरी नई अपडेट हो चुकी है। ओके, देन अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर चेक करें तो वहाँ पे तो आई थिंक ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन। सो आज कल या फिर इस वीक के अंदर कभी भी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पहले आपको बताना चाहूँगा फॉर्म के अंदर, वैसे तो मैं पूरा फॉर्म फिल करने वाला हूँ। ओके, और एटलीस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यार, अपनी कैटेगरी ठीक से सेलेक्ट करना, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे आप OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, आप उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर बनवा लें। अभी आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो उतने में बन जाएगा आपका सर्टिफिकेट यार, उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है अगर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करते हो तो। क्योंकि जब अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम के अंदर, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख बच्चों से होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हज़ार बच्चों के साथ होगा। ओके, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका सभी के साथ कंपटीशन होगा, जो कि 10-11 लाख बच्चे बैठते हैं। तो आप ये मान लो कि कैटेगरी का कितना ज़्यादा वैल्यू है। ओके, और हाँ एक आपका होम स्टेट आप जो भी सेलेक्ट करते हो उसका आपको जो सर्टिफिकेट देना होता है, लेकिन वो तो आई थिंक जोसा के साथ देना पड़ेगा। लेकिन हाँ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले ही मांग सकता है, ये बोल सकता है यहीं पे अभी जब फॉर्म फिलिंग कराएगा तो बोलेगा भैया सर्टिफिकेट अपलोड करिए। ओके, सो जो है आप जो कैटेगरी का तो ज़रूर ही बनवा के रखिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। आपका एक 12th का एडमिट कार्ड लगेगा, एक आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 फोटो खिंचवा लेना स्टूडियो में, खचक खचक खचक। ओके, सो आप जो है फोटो वगैरह भी डाल देना। अभी इसका ब्रोशर रिलीज़ किया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। फाइनली एंटी एज बैक टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच। वाह एंटी, कमाल हो गया आज तो यार। अभी इसका भरोसा नहीं है कब ये स्टार्ट करेगा, लेकिन हाँ आई थिंक आज कुछ अपडेट तो हुआ है, कल भी अपडेट हुई थी वेबसाइट, आज भी अपडेट हुई है। और यार ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लिख दे, ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है कि वेबसाइट हैक ना हो, वेबसाइट में कोई इश्यू ना आए। ओके, क्योंकि मतलब तुम्हें पता है ना आजकल तो रसिया से भी जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैक कर ले आते हैं, रसिया से लाके उनको बोलते हैं भैया पेपर कराने में मदद करो, हमारी 10 लाख ले लो। ओके, सो इस प्रकार भी होता है, तो यार सर्वर का बहुत बड़ा इश्यू होता है इन लोगों के पास। और यह जो है जो इंडिया की क्या पूरे ऑलमोस्ट USA वगैरह से टॉप एडुटेक कंपनी, टॉप टेक कंपनी से यूज़ करते हैं ये सारे के सारे जो भी कोडिंग प्रोग्राम है, इनके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है। ओके, उनका जो इनका जो है स्पेशल टेंडर चलता है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो अप्लाई करती है, फिर उनसे जो है ये सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है। हाई सिक्योरिटी होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है भाई। ओके, तो इस प्रकार से इनको जो है इनमें भी थोड़ा इश्यू होता है, जैसे हमारे CUCT वगैरह के जो होते हैं ना, इनका जो हमारा जो डाटा रखा जाता है, जैसे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसी का जो है ये डायरेक्ट जोसा के पास चला जाए, ठीक है, उसको कनेक्ट करना होता है डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के पास चला जाए, ये हमेशा सेव रहे, इनको रिजल्ट निकालना होता है, मार्क्स तैयार करने होते हैं। तो भाई इनका बहुत ही मतलब इनके पास ख़तरनाक कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे IITs में सुपर कंप्यूटर्स है, उस प्रकार से बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जटिल होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है, सो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट वो तो उनका सबका काम है, लेकिन कनेक्ट करना होता है, कितनी सारी टीम वर्क करती है इनके साथ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इनको वैसे, लेकिन अब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
हमारे तो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर 100% स्टार्ट होंगे। और हाँ, आज 1 मार्च तो हो चुका है, हो सकता है आज शाम तक या फिर कल तक इसके जो है हमारे पास नोटिस आ जाए रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के, कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या ब्रोशर वगैरह वगैरह जो भी है सारा सब कुछ रिलीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे यार पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो फ्रॉम IIT, टॉप NIT स्टूडेंट्स, IIST और IIIT, फ्रॉम ICER, ISI, KUPY स्कॉलर्स। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेंटरशिप का लिंक है गूगल फॉर्म का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पेड मेंटरशिप है, लेकिन आपको जो है अभी आप अगर 1 करोड़ के बच्चे हो तो आपको 100 करोड़ का बच्चा बना सकते हैं हमारी मेंटरशिप। ठीक है बच्चे पार्टी, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, अपना व्यवहार इस प्रकार से विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, हैप्पी शिवरात्रि, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।